उत्तर प्रदेश के कानपुर में SBTU संस्थान में छात्र ने आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से छेड़खानी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद वाइस चांसलर शमशेर सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। IPN से बातचीत के दौरान वाइस चांसलर ने कहा है कि एक दिन पहले ही लड़की की अटेंडेंस पूरी न होने के कारण HOD ने मुझे बताया था। अब दूसरे दिन यह घटना सामने आई है, इसकी जाँच कराई जा रही है और उसके बाद कोई भी आदेश दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। पूछते हैं, क्या नाम है आपका और क्या डिमांड है? सर, मेरा नाम सौम्य रहे, विद्यार्थी परिषद मेरा दायित्व पश्चिम जिला से सहयोग हो जाएगा। सर, हमारी मांगे ये हैं कि जो जब आपको इस विषय की पूरी लड़की का नाम नहीं ले रहे सर, जो विषय आपको ठीक से पता नहीं है, आप उस छात्रा की बिना पूरी बात समझे, बिना जाने, आप उसके बारे में न्यूज़ में ये छपवा देते, बयान देते थे कि वो झूठ बोल रही है। सर, उसके चरित्र पे, उसके इमेज पे कैसी धज्जियां आप दाग लगा रहे हैं? VC सर के बयान है आज के दैनिक जागरण में, पेपर में छपे हुए हैं, आप खुद पढ़ लीजिए स्वयं उसमें। और VC सर से बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ का खंडन करिए, माफ़ी मांगे, तो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं करूंगा, कर नहीं रहे, मैं करूंगा। जब आपसे ये सब नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए अपनी कुर्सी। आपसे इस मतलब इतने छोटे से मैटर्स नहीं सर संभल रहे, छात्रा का मैटर तो बहुत लंबी बात है। मतलब आपके कुछ आपके कॉलेज में बहुत सारी त्रुटियां निकली हैं।